बुनियादी ढांचा क्षेत्र में देरी से चल रही परियोजनाओं में सबसे अधिक 358 परियोजनाएं सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र की हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद रेलवे की 111 और पेट्रोलियम क्षेत्र की 87 परियोजनाएं हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में 769 व 358 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। रेलवे में 173 परियोजनाओं में 111 देरी से चल रही हैं, जबकि पेट्रोलियम क्षेत्र की 154 में 87 परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं। तेलंगाना सरकार ने कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने वाले काजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को भी सभी शादियों का ब्यौरा ऑनलाइन रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया है। काजियों से कहा जा रहा है कि वे यह पहचाने कि दुल्हा दुल्हन बालिग है या नहीं, यदि दुल्हा दुल्हन बालिग हो तो ही निकाह किया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कोरोना कहीं नहीं है, कोई मास्क नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ है, हम अपनी भारत जोड़ो यात्रा करते रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम निरंतर जांच करवा रहे हैं, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से बिहार अलर्ट रहा है, हर दिन लगभग 45,000 लोगों की जाँच हो रही है और टीकाकरण भी किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने उन्हें महान राजनेता बताया और कहा कि उन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर किए गए एहसान को नहीं भूलते। ऐसे ही एक शख्स हैं अमंगट्टू चलिल कन्नन। वो एक टीचर के लिए प्रार्थना करने के लिए सबरीमाला की तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। उनकी यात्रा आसान नहीं है, उन्हें अपने घर से निकले हुए 10 दिन हो चुके हैं क्योंकि वो दिव्यांग हैं और व्हील चेयर पर 300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ईदगाह में सर्वे के आदेश पर ओवैसी ने कहा, जैसा मैंने पहले कहा था वैसा ही हो रहा है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघियों की शरारतों को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, अदालत ने मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के अंदर सबूतों की जांच के लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। यह सब प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद हो रहा है। नेपाल की तरफ से उत्तराखंड के धारचूला में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। सिंचाई विभाग के कार्यकारी इंजीनियर फरजान अहमद ने नेपाल की तरफ से की गई पत्थरबाजी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के धारचूला में तटबंध के काम के दौरान नेपाल की तरफ से पथराव की घटना हुई। एलन मस्क ने इस साल की शुरुआत में ट्विटर इंक को $44 अरब में खरीदा था और कंपनी पर $13 अरब का कर्ज चुकाया था। हालांकि इसके बाद टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने कर्ज को चुकाने के लिए टेस्ला के लगभग $40 बिलियन के शेयरों को निपटान किया है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का मामला फिर सुर्खियों में है। कल इस विवाद में जिला अदालत ने बड़ा आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यहां भी वाराणसी के ज्ञान व्यापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। यह आदेश अदालत ने हिंदू सेना की एक याचिका पर दिया। आदेश अनुसार 2 जनवरी 2023 से यहां सर्वे होगा। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट अंकित गुप्ता एलिमिनेट हो गए हैं। उनके शो से जाने के बाद प्रियंका चाहर चौधरी काफी दुखी हैं। प्रियंका को उम्मीद थी कि अंकित गुप्ता बिग बॉस 16 से इस तरह से नहीं जाएंगे। अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले अंकित के निष्कासन से एक तरफ उनकी करीबी दोस्त प्रियंका चौधरी का दिल टूट गया है, वहीं अर्चना गौतम ने खुशी मनाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शनिवार को घाटी में सेना ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई बारामूला जिले के उरी सेक्टर में की। दिल्ली के जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के रूट पर एक ड्रोन गिरा। कुछ देर के लिए रूट को बंद किया गया। करीब 3 बजे ड्रोन गिरा। पुलिस ने ड्रोन की जांच की तो पता चला कि वो एक दवा कंपनी का ड्रोन है। उससे कुछ दवा के सैंपल भेजे जा रहे थे। कुछ देर के लिए इस रूट पर मेट्रो रोकी गई। अब रूट चालू कर दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बीजेपी से नाराजगी जाहिर करने वाले पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी ने अब नई पार्टी की घोषणा कर दी है। जनार्दन रेड्डी ने 25 दिसंबर को बेंगलुरु शहर में अपने घर पारी जाथा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो राजनीति में अपनी दूसरी पारी नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष के साथ शुरू करेंगे। भारत ने बांग्लादेश को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में 3 विकेट से हरा दिया। उसने मैच के चौथे दिन को 145 रन के लक्ष्य को 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने 7वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया को जीत लिया। इसी के साथ भारत ने 2 मैचों की सीरीज में 2-0 से बांग्लादेश को सफाया कर दिया।